तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर हेल्पर के अंदर। मैं करण आज आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसे के, बिना कोई फालतू चार्जेस के, किस तरह से हम सीधा इंस्टेंट विद इन 2 मिनट्स के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोज हम बना रहे हैं वो आप सब लोगों के लिए ही बना रहे हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम में अपडेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट निकालने के लिए क्या करना है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना पेटीएम का बैलेंस दिखा दूँ कि मेरा पेटीएम का जो बैलेंस है वो कितना है और थोड़ी देर बाद कितना हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, पेटीएम का बैलेंस 3,016 रुपये आपको ये शो हो रहा है, और लास्ट ट्रांजेक्शन जो सुबह की 7:52 पे आपको शो हो रही है। तो 3,016 रुपये मेरे पेटीएम के अंदर पड़े हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो थोड़ी सी आगे चलते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते इतना आसान वे होगा कि हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इतनी फ्री में ऐड कर सकते थे, हमें ये बात मालूम ही नहीं थी। तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर जोमैटो को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही सबसे पहले आप लोगों को जोमैटो को डाउनलोड कर लेना है। जोमैटो वैसे कि 99% लोगों के अकाउंट में होगी ही होगी। तो जैसे ही आप लोग अपनी जोमैटो को डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को जाना है ऑफर्स में। ऑफर्स के बाद आपको जाना है मनी के अंदर। मनी के अंदर के बाद जाना है आपको हिस्ट्री में, और उसके बाद आपको दबाना है ऊपर वाला क्लिक। जैसे ही आप ऊपर इसके एक्टिविटी में आते हो, जहाँ पे लाइक्स, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, पेमेंट, लैंग्वेज, रेटिंग, ऑर्डर्स, एड्रेस बुक, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया होगा, तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पेमेंट्स में जाना है। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट्स में जाते हो, उस तरह के आपको वो कार्ड मिलेंगे जब तक आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी यहाँ से ऑर्डर किया होगा। तो अगर आपका कुछ ऑर्डर ना हो तो आपने ऐड क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ से अपना वो क्रेडिट कार्ड ऐड कर लेना है जिससे आप पेमेंट निकालना चाहते हो फ्री के अंदर। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को देख पा रहे हो पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, पे वाया यूपीआई, इन चीज़ों से हमें कुछ नहीं लेना देना। हमें कहाँ आना है, अपने पेटीएम वैलेट के अंदर। हमें यहाँ पर जो मेरा पेटीएम का वैलेट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिमूव वैलेट, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो वैसा ही इंटरफेस होगा जैसा आपको होने वाला है अगर आपका पेटीएम अटैच नहीं होगा। तो आपको यहाँ से पेटीएम को क्लिक करोगे। जैसे ही आप पेटीएम पे क्लिक करोगे, आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बिल्कुल तुरंत बाद आपका पेटीएम इससे लॉगिन अटैच हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका पेटीएम लॉगिन अटैच होता है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला, आपने क्रेडिट कार्ड ऐड करना है अगर आपका क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं है। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड हो जाता है, वैसे ही आपने यहाँ पर पेटीएम वैलेट को ऐड कर लेना है। पेटीएम वैलेट आपका यूज़र नेम पासवर्ड देने से फिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये 2 डॉट पेटीएम के साइड पे दिए हुए हैं, जिसको मैंने क्लिक किया और आ रहा है लिखा हुआ रिचार्ज वैलेट। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 200 रुपये आप लोगों को, कर तो आप कितने भी सकते हो, लेकिन क्या होता है कई बार कोई भी क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो उसकी जो सेटिंग्स होती है ना नेट बैंकिंग के अंदर, तो किसी की 2,000 दी होती है, किसी की 4,000 दी होती है, किसी की 5,000 दी होती है, किसी की 10,000 दी होती है, तो एक लिमिट होती है जिसकी वजह से वो अमाउंट ज़्यादा अटैच नहीं कर पाता। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट लेनी है, एक बार 200 रुपये मैं ले रहा हूँ, तो 200 रुपये मैं अगर यहाँ पे अपना ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऑप्शंस आ गए कि मैं पेटीएम बैंक से ऐड करना चाहता हूँ, स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का तो कोई लेना देना नहीं है हमारा, हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट निकालनी है। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट निकालने के लिए मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला आपको पहले ऐड कर देना है, तो यहाँ पर आप लोगों को देना है अपना CVV। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अपना CVV यहाँ पे देते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे करना है पे पे क्लिक। और जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो देने के लिए, तो आपके नंबर पे जो रजिस्टर्ड नंबर आपका होगा उस पे आपको आएगी OTP। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जोमैटो आपने उसी नंबर से लॉगिन करना है जिस नंबर से आपका क्रेडिट कार्ड पे OTP आता है, या पेटीएम आपका लिंक है, एक ही नंबर होना चाहिए ना। तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे OTP फिल कर दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे OTP फिल करी, तो मैंने किया यहाँ पे सबमिट, और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे मेरा 3,016 के बाद का बैलेंस, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 3,216 हो जाना चाहिए, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पर गए, और दोस्तों अभी हमें शो होगा हमारा बैलेंस, और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना इजीली हमारा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऐड। जब मैंने ये चीज़ देखी ना, तो मैं हैरान हो गया कि यार इतना ईजी था, मेरे को पता ही नहीं था।
मतलब मैं ऐसे पेटीएम से ऐड करता था पेमेंट, 300-300 रुपये टैक्स देता था, 10,000 ऐड किया, 5,000 ऐड किया, तो हर एक बंदा यही फंसा हुआ है। लेकिन अब जोमेटो के जरिए, जोमेटो एक सिंपल सी ऐप है और आपको यहाँ पे कोई KYC करने की नीड नहीं होती, आपको एक मोबाइल नंबर देना होता है, आपका साइन अप हो जाता है, लॉगिन कर जाते हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग, आपको और भी बहुत सारी वीडियोज हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है यार। तो मिलते हैं दोस्तों छोटी सी ब्रेक के बाद। तो दोस्तों यहाँ से आपको पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सेंड मनी फ्रॉम वैलेट टू बैंक। तो यहाँ से आप लोगों को अपना अमाउंट फिल करना है, कितना अमाउंट आप लोग यहाँ पे करना चाहते हो, 1,000, 2,000, 5,000, जितना भी आप करना चाहो। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा जो लिंक होगा, और बिना किसी चार्जेस के आपकी पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी इंस्टेंटली यहाँ से। तो आप लोग देख पा रहे हो मैंने सुबह भी यहाँ से 1,200 रुपये पहले यहाँ से ऐड किया था अपने अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग फ्री के अंदर क्रेडिट कार्ड से अपने इंस्टेंट अकाउंट के अंदर पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम आती तो भी बताइएगा, हम आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे।